हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 30 जुलाई से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं तथा उनके बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1836 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिका के हवाई द्वीप में अंग्रेजी भाषा का पहला अखबार प्रकाशित हुआ था। सन 1882 ईस्वी में आज ही के दिन प्रसिद्ध क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी सत्येंद्र नाथ बसु का जन्म हुआ था। सन 1886 ईस्वी में आज के दिन देश की पहली महिला विधायक और समाज सुधारक एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी का जन्म हुआ था। सन 1909 ईस्वी में आज के दिन राइट बंधुओं ने सेना के लिए पहला विमान बनाया था। सन 1923 ईस्वी में आज के दिन 20वीं सदी के जाने माने विचारक, इतिहासवेत्ता, संस्कृतज्ञ तथा सौंदर्य शास्त्री गोविंद चंद्र पांडे का जन्म हुआ था। सन 1930 ईस्वी में आज के दिन एनबीसी रेडियो पर डेथ वैली डेज का पहला प्रसारण हुआ था। सन 1957 ईस्वी में आज के दिन भारत सरकार ने एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की थी। इसे सन 1964 में यानी कि करीब 7 साल बाद एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड ECGC में बदल दिया गया और इसी के साथ अगले कुछ वर्षों यानी कि 1983 में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में बदल दिया गया। सन 1962 ईस्वी में आज के दिन दुनिया का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग ट्रांस कनाडा राजमार्ग आधिकारिक तौर पर खोला गया था। सन 1980 ईस्वी में आज के दिन वानुआतु देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। सन 2002 ईस्वी में आज के दिन कनाडा ने अलकायदा सहित 7 समूहों को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। सन 2007 ईस्वी में आज के दिन चीनी वैज्ञानिकों ने झेंग झाऊ में लगभग 50 लाख साल पुरानी चट्टानों की खोज की थी। सन 2010 ईस्वी में आज के दिन साइना नेहवाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तथा सुनील छेत्री, झूलन गोस्वामी, राजीव तोमर, संदीप सिंह सहित 15 खिलाड़ियों को 29 अगस्त के दिन अर्जुन पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई थी। सन 2012 ईस्वी में आज के दिन उत्तरी ग्रिड में खराबी के चलते दिल्ली सहित 7 राज्यों में बिजली गुल हो गई थी, जिससे करीब 36 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। सन 2020 ईस्वी में आज के दिन अमेरिकी कांग्रेस समिति हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासतों को बढ़ावा देने के लिए नागरिक अधिकार कार्यकर्ता जॉन लुइस द्वारा तैयार किए गए विधेयक को पारित किया था। इसी विधेयक का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच विनिमय समझौता स्थापित करना था। सन 2021 ईस्वी में आज के दिन भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉरपेट का 36वां संस्करण 30 और 31 जुलाई 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना जहाज INS सरयू, ये स्वदेश निर्मित अपतटीय गश्ती पोत है, और इसी के साथ इंडोनेशियाई नौसेना जहाज KRI बंग टोमो ने समन्वित गश्त में भाग लिया था। सन 2021 ईस्वी में आज के दिन भारत के संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भारत सरकार की ओर से G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था। सन 2021 ईस्वी में आज के दिन पुणे स्थित वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया था। सन 2022 में आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस है, यानी संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस आयोजित करता है। सन 2013 में महासभा ने मानव तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में नामित किया था। सन 2022 में आज हैप्पी फ्रेंडशिप डे है, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस जो कि 30 जुलाई को आयोजित किया जाता है। यह दिन जीवन में दोस्तों और दोस्ती के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नस्ल, रंग, लिंग, धर्म,
आदि के बावजूद विभिन्न देशों के लोगों की दोस्ती का एक मजबूत बंधन बनाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की घोषणा की थी। तो ये थी आज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।